सर आप हमें बताएं कि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो इतने नाराज क्यों हैं, क्या कारण है? पहली बात तो ये कि सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर नाराज नहीं है, सभी डॉक्टर नाराज हैं। रेजिडेंट डॉक्टर तो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, जितने भी डॉक्टर्स हैं सब नाराज हैं, और नाराजगी का उनके पास बहुत बड़ा कारण है। और सिर्फ नाराज, नाराज बहुत हल्का शब्द है, आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं, हताश हैं, आवेश में हैं और अंदर तक हिले हुए हैं। क्योंकि एक आप जब निर्भया का केस हुआ था तो कुछ निर्लज्ज लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि वो लड़की रात पे सड़क पे रात को अकेली निकली क्यों थी। अब इस समय क्या हुआ, इस समय तो वो एक जिम्मेदार डॉक्टर की तरह अपनी ड्यूटी निभा रही थी, उसको ड्यूटी ऑन ड्यूटी रेप और मर्डर किया गया है, गैंग रेप शायद खबर आ रही है, गैंग रेप और मर्डर किया गया है। और पूरी एक व्यवस्था है, वो उसने सिर्फ इतना नहीं है कि आपने सिर्फ एक रेप और मर्डर हो गया और आप उसको एक आम क्राइम की तरह उसको आप टाल दें। स्थिति ये है कि वहां का जो शासन तंत्र है और जो सत्ता तंत्र है वो हैंड इन ग्लव काम कर रहे हैं, और सत्ता के जो शीर्षस्थ लोग हैं वो शासन तंत्र और सुरक्षा तंत्र को ये मैसेज है कि किसी भी तरह से इसको रफा दफा इस मामले को करना है। सब लोग जानते हैं क्या हुआ है, आपने 3 घंटे तक पेरेंट्स को खड़ा किया है, उनको आपने बॉडी नहीं दी, उसके बाद में फिर आपने क्या कहा, आत्महत्या हुई है। एक सेकेंड ईयर MBBS के लड़के में इतनी बुद्धि होती है कि वो बता सकता है कि होमिसाइड क्या है, सुसाइड क्या है, डेथ क्या है, नेचुरल डेथ क्या है। आपने इसको अननेचुरल डेथ, पहले तो आपने उसका केस ही रजिस्टर नहीं किया, जब केस रजिस्टर किया तो आपने अननेचुरल डेथ का, ये अननेचुरल डेथ है, उसकी इतनी हड्डियां टूटी हुई है, देख के कोई कह सकता है कि ये सब क्लियर कट मर्डर है, उसको आप कह रहे हैं कि अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर कर रहे हैं। फिर आप पेरेंट्स को कह 3-3 घंटे तक इंतजार करा रहे हैं, और फिर कितना हश दबे प्रोसेस की तरह से आपने उसको जल्दी से जलवाया। सब जानते कल शमशान की, शायद शमशान का जो काम करते हैं उन कर्मचारी का इंटरव्यू आ रहा था टीवी के ऊपर, वो कह रहे हैं 3 बॉडीज और वेट कर रही थी, उसके पहले ला करके इसको बर्न किया गया, क्योंकि बॉडी ऑफ एविडेंस, द डेड बॉडी इज द बॉडी ऑफ एविडेंस। तो ये और उसके ऊपर से उसके बाद क्या हुआ है कि ये नहीं जान रहे लोग, आपने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या एक्शन नहीं लिया, और उस सब का ठीकरा आपने स्टूडेंट्स के ऊपर डाल दिया। क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो भी कॉलेज के अंदर हुआ वो सारा स्टूडेंट्स के किया हुआ है, कोई बाहर का लोग नहीं थे। पुनीत, इससे ज्यादा बौड़मपने की और मानसिक दिवालियापन की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। आपको पता है कोई भी स्टूडेंट, मैं भी जिस कॉलेज से पढ़ाऊं, एनी मेडिकल स्टूडेंट फॉर दैट सेक, अल्मा माटर मानते हैं उसको, मात्र संस्था, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं जहां से हम पढ़ते हैं, जहां से हम सीखते हैं, 10 साल बाद हम लोग वहां अपने मित्रों से मिलने के लिए जाते हैं, उन टीचर्स से मिलने के लिए जाते हैं, वो हमारे लिए एक पवित्र स्थल होता है, तीर्थ की तरह होता है हमारा कॉलेज जहां से मिले। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज को तोड़ा होगा, जिस कॉलेज में, जिस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूं, क्या मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, मेरी साइकोलॉजी इतनी क्रुकेड होगी। और मैं, और सबसे पहले वो भीड़ जो 5-7 हज़ार लोगों की आई, उसने सबसे पहले डॉक्टरों का मंच ही तोड़ा था। मतलब मैं, अगर मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं और मैं प्रदर्शन कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले अपने प्रदर्शन का नहीं, छात्रों को ही मारूंगा पीटूंगा, और फिर उसके बाद अपनी मातृ संस्था को तोड़ दूंगा। ये इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो सकती।